नमस्कार दोस्तों, SSCGS पॉइंट में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है 12th क्लास के बच्चों के लिए है कि उन्हें एग्ज़ाम में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स क्या क्या है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हिंदी है, हिंदी में जो अधिक अंक वाले जो प्रश्न हैं उनको प्राथमिकता दे। जैसे निबंध है, पत्र है, निबंध के प्रश्नों को हल करते समय उनके संकेत बिंदु और शब्द सीमा का ध्यान रखें। यानी कोई भी निबंध है तो उसमें संकेत आते हैं, उन संकेतों की आप सहायता ले सकते हो और सभी संकेतों के साथ पैराग्राफ लिखे। अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश के प्रश्नों को सावधानीपूर्ण हल करें। गद्यांश पद्यांश को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़े और पूछे गए प्रश्नों को समझ कर ही उसका उत्तर लिखे। पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय हू काव्य पंक्तियाँ ना लिखें। यानी कि कोई कविता है और आपसे प्रश्न पूछा है और आपने कविता की एक लाइन लिख दी, ये गलत है। आपको उस कविता का भावार्थ लिखना चाहिए। संचार माध्यम के प्रश्नों को हल करते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। प्रश्नों के उत्तर में अनावश्यक विस्तार से बचें, उतना ही लिखें जितना पूछा गया है। कवि और लेखक के जीवनी वाले प्रश्न में लेखक के व्यक्तित्व के साथ उसके कृतित्व का भी पूरा परिचय दें। यानी कवि और लेखक की जीवनी वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें लेखक का जो व्यक्तित्व है उसके साथ साथ उसकी जो कृति है, उसकी जो पुस्तक है, उसका भी ध्यान दे। और सप्रसंग व्याख्या के लिए हमेशा 3 चीज़ें जरूरी है, 4 चीज़ें। एक तो संदर्भ, फिर है प्रसंग, फिर है व्याख्या और विशेष आदि के क्रम का ध्यान रखें। काव्य सौंदर्य के जो प्रश्न हैं उनमें भाव सौंदर्य के साथ भाषा की सौंदर्यगत विशेषता को भी अवश्य शामिल करें। संस्कृत में क्या करें, 2-3 बार अवश्य पढ़े गद्यांश को, और पठित गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय पंक्तियों को यथावत न लिखें, उनका उत्तर प्रश्न के अनुसार लिखें। औपचारिक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप का ध्यान रखें। औपचारिक अलग होता है, अनौपचारिक अलग होता है। औपचारिक तो जो हम ऑफिस में लिखते हैं, ऑफिस वगैरह है, पुलिस स्टेशन है, स्कूल है। अनौपचारिक का मतलब है जहाँ कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है, रिश्तेदार को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, तो ये 2 पत्रों के प्रकार होते हैं। अनुच्छेद लेखन के प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में दे। व्याकरणगत अशुद्धियों से बचे और सरल भाषा का प्रयोग करें। प्रचलित शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय आदि का ध्यान रखें। संस्कृत साहित्य परिचय के अभ्यास प्रश्नों को अवश्य हल करें। इंग्लिश में क्या करना है, जब आप नोट मेकिंग अटेम्प्ट करते हो तो डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फेज लिख सकते हैं। और समरी के लिए डोंट कॉपी पेस्ट लाइन फ्रॉम पैसेज, पैसेज की लाइन को ही कॉपी पेस्ट नहीं करना, उस पैसेज को पहले पढ़ो और उस पैसेज की भावनाओं को समझो और उसके बाद अपने शब्दों में लिखो। राइट इन योर ओन वर्ड, तुम्हारे शब्दों में जो समरी है वो लिखो। राइटिंग नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इनविटेशन इन ए बॉक्स शुड बी प्रेफर, यानी ये जो चारों है इनमें कोशिश करो बॉक्स में लिखे जाए। इट इज़ प्रेफरेबल टू हैव एटलीस्ट 3 पैराग्राफ इन राइटिंग स्किल क्वेश्चन लाइक लेटर, डिबेट, स्पीच, आर्टिकल, रिपोर्ट। ये जो आते हैं इनमें लगभग कम से कम 3 पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं। टू गिव इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड सजेशन, परिचय, इंट्रोडक्शन, डिटेल यानी उसकी पूरा विवरण और सजेशन, सुझाव ये देना होता है। मेक श्योर टू राइट द हैंडिंग ऑफ नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल, रिपोर्ट। नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और आर्टिकल और रिपोर्ट चारों में हमेशा हेडिंग देना जरूरी है। वाइल अटेम्पिंग क्वेश्चन ऑफ पोइम एक्सट्रैक्ट, जब पोइम एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करते हो, कॉपिंग द लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट एज आंसर इज ए बैड प्रैक्टिस। वही बात आ गई जो मैंने पैराग्राफ के लिए बताई कि जो ऊपर की जो लाइन है पोइम की वो वैसे वैसे आप लिख देते हो आंसर में, वो गलत है। रिमेंबर द नेम ऑफ पोइम, जो भी पोइम है उसके पोइम का नाम लिखो और जो पोइट है उसका भी नाम लिखो। पॉलिटिकल साइंस में क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस के लिए अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करो यानी लिखो। लैंग्वेज ऑफ द आंसर मस्ट बी सिंपल, क्लियर, प्रीसियस एंड टू द पॉइंट, यानी जो लैंग्वेज है सरल होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। जो पूछा है वही बताओ, एक्स्ट्रा अपनी अपना दिमाग मत लगाओ। इंस्टेड ऑफ अटैचिंग मैप इन द आंसर शीट, ड्रा टेबल एज पर द टेबल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, यानी जो मैप अटैच करते हो उसके बजाय जो शीट है, इंस्टेड
ऑफ अटैचिंग मैप, मैप के बजाय जो आंसर शीट है उसमें टेबल ड्रा करो एंड प्रैक्टिस टू राइट करेक्ट आंसर एज पर द डिजायर्ड टेबुलर फॉर्मेट। तो टेबुलर फॉर्मेट में उसमें टेबल के हिसाब से ही लिखो। प्रैक्टिस टू आंसर कार्टून पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके यहाँ पोल साइंस में, तो उनकी प्रैक्टिस करो। और एडियर टू वर्ड लिमिट एज पर वेटेज, और जैसी वर्ड लिमिट यानी शब्दों की जो सीमा है उसके हिसाब से आप आंसर दो। हिस्ट्री में क्या करना है, इतिहास में क्या करना है आपको, यूज मेनोमोनिक टू रिमेम्बर लॉन्ग पॉइंट लेंथी इन्फॉर्मेशन। जो लेंथी इन्फॉर्मेशन है, जो लंबे बिंदु है, उनके लिए आप अपनी ट्रिक बनाओ। यूज टाइम लाइन टू रिमेम्बर कंसेप्ट, और जो कंसेप्ट है उसको याद करने के लिए टाइम लाइन बनाओ। टाइम लाइन का मतलब है एक समय, एक वो बनाओ समय यात्रा, एक तरह से काल यात्रा जिसको बोलते हैं। कंसल्ट मैप वाइल स्टडिंग स्पेसिफिक टॉपिक फॉर एग्जांपल, यानी जो मैप है उसकी सहायता लो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे मगध और मौर्य एम्प्रायर है तो आप मैप में देखो। इफ द सेम इज स्टडी इन कंसल्टेशन विद मैप, इट हेल्प इन पिक्चर एंड मेमोरीज एंड आइडेंटिफाइड लोकेशन मैप। अगर आप इनकी हेल्प लेते हो तो यह आपको बाद में जब मैप में आता है तो भरने में काम देता है। होम साइंस की बात करें तो प्रिपेयर स्टेटमेंट बेस्ड केस स्टडी टाइप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वेरी थ्रोली, यानी जो स्टेटमेंट केस स्टडी और पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी करो। प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क गिवन टू डिफिकल्ट फूड स्टफ, कंज्यूमर प्रोडक्ट, फैब्रिक, लॉन्ड्री सिंबल, फूड टेबल, एलिमेंट ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, क्लॉथिंग लेवल, लोगो ऑफ MGNREGA, यानी जितने भी आइटम हैं उन सब की प्रैक्टिस करो। स्पेशल एम्फेसिस, विशेष जोर देना है किस पे, ये जो टॉपिक है स्पेसिफिक इशू के, जैसे कंसर्न ऑफ एड्रेस लैंड, एंजर मैनेजमेंट, केयर ऑफ एल्डरी, इम्पोर्टेंट ऑफ मील प्लानिंग, डाइट मोडिफिकेशन, कॉमन एडल्ट ट्रीटमेंट, इन सभी पे ज़्यादा ध्यान दो। लर्न डिफरेंशियल इन टाइप ऑफ इनकम, कंपेरिजन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम, कंज्यूमर प्रॉब्लम, एड स्टेप ऑफ फिलिंग कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट, स्टोरेज ऑफ क्लॉथ्स, वाटर सेफ्टी, मैगनरेगा, डवेक्रा, कैरियर ऑप्शन इन होम साइंस, इनको सीखो। फिजिक्स में क्या करना है, स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड, उन्हें समझना चाहिए। लर्न ड्राइवेशन ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर को अलग अलग तरीके से याद करो। शुड डू सफिशियंट राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ डेरिवेशन, यानी उनको अच्छी तरह से आप सफिशियंट जो है प्रैक्टिस करो। दे मस्ट प्रैक्टिस सॉल्व द न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल आते हैं यानी जो गणित टाइप क्वेश्चन आते हैं वो NCERT बुक में दे रखे हैं, उनको प्रैक्टिस करो। मस्ट प्रैक्टिस डायग्राम ग्राफ, जो ग्राफ और डायग्राम है उनसे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5 साल के जो पिछले CBSE के पेपर है उनके द्वारा। रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ द होल सिलेबस वंस इन डे, रोजाना एक दिन में एक बार कम से कम सारे फॉर्मूले याद करो। की पॉइंट इन आंसर मस्ट बी अंडरलाइन, जो की पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर का एक ये केंद्र बिंदु है उसको अंडरलाइन करो। केमिस्ट्री में क्या करना है, लर्न केमिकल इक्वेशन इन फॉर ऑफ फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट के माध्यम से जो ये रासायनिक क्रिया है उनको याद करो। लर्न पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पी डी और एफ ब्लॉक के 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीखो। मेक ए टेबल, एक टेबल बनाओ टॉपिक वाइज, पॉलीमर ऑफ केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, और चैप्टर 1, 2, 3, 4 है फिजिकल केमिस्ट्री के। लर्न इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट राइट करेक्ट फार्मूला एंड देन सॉल्व इट न्यूमेरिकल। बी फोकस ऑन स्पेसिफिक चैप्टर इंस्टेड कवरिंग ऑल चैप्टर, सभी जो चैप्टर हैं उसकी जगह कुछ ही खास चैप्टर उन पर ध्यान दो। रिएक्शन मैकेनिज्म मस्ट बी थ्रोली रिवाइज, SN1, SN2, बीटा एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनिक कंपोनेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ETC, इन सभी की रिएक्शन याद करो। याद रखो 20 से 25 नाम किसके, रिएक्शन के। फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ आइसोमर्स, मैथमेटिक्स में क्या करना है, डू एनफ राइटिंग रिटन प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में लिखित में अभ्यास करो। नोट क्राम ए नाइट बिफोर एग्जाम, एग्जाम की पहले जो रात है उसमें ये काम मत करो।
इन ऑर्डर टू डू वेल इन मैथमेटिक्स यू नीड टू रीड द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अंडरस्टैंड, समझो और फिर अप्लाई करो कि क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा। नो द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझो और पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन चैप्टर और पार्ट, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें ज़्यादा मेहनत करो। देट हैव हाई वेटेज, जिसका हाई वेटेज है, जो पार्ट ज़्यादा नंबर का है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर, यानी जो मॉक टेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, उनको रिवाइज करो। डू प्रॉपर रिवीजन बिफोर एंट्री एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम में प्रवेश करने से पहले भी आप उनको नोट्स को याद करो। राइट ए सॉल्यूशन विद अ फॉर्मूला अप्लाइड कोडिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ स्टेप ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के बगल में राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लिख लो। एट लास्ट राइट सॉल्यूशन इन ए बॉक्स। नीट एंड एक्यूरेट योर एग्जाम, तुम्हारी जो एग्जाम हो उसमें साफ बनो, शुद्ध बनो। हमेशा लुक एट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आल्सो द नंबर ऑफ मार्क एलोकेटेड, और नंबर भी देखो इसके पीछे नंबर कितने हैं, और डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार उसको समय दो। डू द रफ वर्क इन मार्जिन, जो मार्जिन होता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उस पर रफ वर्क करो, बीच में मत करो। रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिशन, और सबमिशन यानी आंसर शीट जमा कराने से पहले उसको देखो। इकोनॉमिक्स में भी लगभग वही बातें हैं जो मैथ में हैं, तो शादी हुई सारी बातें थी वो आपको मैंने बताई। अब देखो आपका काम बनता है इन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे ऐसी आशा है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपकी परीक्षा की।